हेलो रबडी दोस्तों, अभी हाल ही में 18,218 पदों के लिए ग्रुप डी की भर्ती हरियाणा में कंप्लीट हुई है। और अब उन बच्चों के लिए, उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी आई। उनको मुख्यमंत्री साहब ने एक तोहफा दिया है। वो तोहफा क्या है, यदि आप जानना चाहते हैं पूरी अपडेट को, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी राजेश, स्वागत करता हूं इस वीडियो में और हमारे चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज टीवी देसी ताऊ। कैसे हो आप सभी दोस्तों? इस चैनल पर हर रोज़ एक या दो वीडियो जॉब या जॉब से जुड़ी जानकारी पर मैं लेके आता रहता हूं, जो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। दोस्तों, यहाँ पे कल के न्यूज़पेपर में न्यूज़ प्रकाशित की गई है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं। मुख्यमंत्री साहब ने तोहफा दिया है, जो ग्रुप डी में अभी कर्मचारी पद पर लगे हैं वे अपने पोस्ट और अपने डिपार्टमेंट बदल सकते हैं। दोस्तों, जैसे किसी बच्चे ने PhD कर रखी है और वो कहीं माली लग गया था, अब वो अपना पोस्ट भी चेंज कर सकता है और अपना डिपार्टमेंट भी चेंज कर सकता है। यहाँ पे मुख्यमंत्री साहब ने इन सभी को तोहफा दिया। यहाँ पे पूरी न्यूज़ पढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी बेहतरीन कार्यशैली का एक और उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हाल ही में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयन उपरांत चतुर्थ श्रेणी के नियुक्त कुछ कर्मचारियों की मांग पर विचार करते हुए उनके पद और विभाग को बदलने का एक अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि गत जनवरी 2019 में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों के लिए 18,000 भर्तियां की गई थी। इनमें से कुछ कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से अपने पद या विभाग को बदलने के बारे मांग प्रार्थना की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने उनकी इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए निर्णय लिया है कि इन कर्मचारियों को किसी अन्य समकक्ष पद या अन्य विभाग में स्थानांतरण आधार पर नियुक्ति के लिए अवसर प्रदान किया जाए। उन्होंने बताया कि इस बारे में संबंधित कर्मचारी आगामी 26 जून से HSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर एक परफॉर्मा मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है। उसके अनुसार आपको जो आपका डिपार्टमेंट है, वो आपका पद है, वो चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन आपको सीनियरिटी सिस्टम आपका जो पहले वाला है वही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी है लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।